Welcome back to my YouTube channel. This is Firoz and you are watching Dr. Hubs. So without any further delay, let's start the video. तो आपको आपने थंबनेल को देख ही लिया है. थंबनेल के अकॉर्डिंग आपने गैस कर ही लिया होगा कि मैं आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ. तो आज का मेरा मेन जो मोटो रहेगा, पर्पज रहेगा इस वीडियो में, कि मतलब आपको एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इंडियन में जो इंडिया में जो पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में और यूक्रेन में जो पढ़ाए जाते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है. एक रियल बेसिस पे मैं डिस्कस करूंगा और उसके बेस पे मैंने इसके काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है. मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं इंडिया में जो MBBS कर रहे हैं और यहाँ पे मैं तो कर ही रहा हूँ खैर, तो उस हिसाब से मैंने कंपेरिजन निकाला है और ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाला है जो अभी आने वाले हैं और जो आगे आएंगे, उस दोनों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो आप पूरा वीडियो को देखें, स्किप मत करें. पहले मैं बात करूँगा आपको यूक्रेन का स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक बुक का लंबी लिस्ट है, तो इसमें मैं इसीलिए पहले मैं यूक्रेन को कंसिडर कर रहा हूँ. मैंने क्या कर दिया एक समझने के लिए आपको कि यूक्रेन का जो है इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट में. तो पहला बुक जो मेजर सब्जेक्ट में हम कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो यहाँ पे है वो एनाटॉमी है, जो फर्स्ट एक बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी है फर्स्ट ईयर में. उसके बाद मेडिकल केमिस्ट्री है, मेडिकल बायोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है. उसके बाद यहाँ की खुद की एक लैंग्वेज है जो यूक्रेनियन लैंग्वेज है, तो यूक्रेनियन लैंग्वेज के लिए आपको वो थ्रू आउट द लाइक सेमेस्टर या लगभग 3 to 4 years तक आपको ये पढ़ना है. तो बिकॉज ये हमारे मतलब जो सेमेस्टर में है या हमारे कोर्स में, इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं इसको, ताकि जो बच्चे आते हैं वहाँ से तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, उसके लिए आपको ये कंफर्ट के लिए इसको जो है ऐड कर दिए हैं. इसमें कोई ऐसा टफ एंड फर्स्ट नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको मतलब जस्ट आप सीख लो नॉर्मल, जो भी आपको यहाँ पे लोकल में आप कुछ भी करोगे तो आपको ईजी रहेगा, इसलिए ये इसने ऐड कर दी. अब क्या कर दिए हैं कि ये 2 or 3 years बैक इसने इंग्लिश भी कंबाइन कर दिया इन फर्स्ट ईयर. मतलब मोस्टली ये हुआ जब हम आए थे, हम लोग तो 2017 में आए थे, तो उस टाइम जो है इंग्लिश नहीं था, बट आफ्टर दैट इसने क्या किया सिलेबस में इंग्लिश भी ऐड कर दी. रीज़न ये था कि जो बच्चे वहाँ से आ रहे थे वो इंग्लिश में जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है टीचर से वो इंटरेक्ट और वो एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था एक दूसरे को, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. फिर यूनिवर्सिटी ने एनालाइज किया कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा इंग्लिश में वीक है या उसको इंग्लिश से वो प्रॉपर मतलब कन्वर्सेशन या प्रॉपर वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उसने इंग्लिश भी जो है एकेडमिक में ऐड कर दिया है. और उसके बाद बात करेंगे एक लैटिन है, जो लैटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया में ये सब्जेक्ट नहीं है स्पेशली, बट यहाँ पे इसने लैटिन ऐड कर रखा है. लैटिन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल मैं इसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जितने भी मेडिकल टर्मोलॉजी जितनी भी है वो पूरा लैटिन की बेस्ड है, लैटिन पे ही बेस्ड है एक तरह से कहा जाए. आपको मैं एग्जाम आप इंडियन जो बच्चे हैं आ रहे हैं उसको पता ही नहीं लैटिन क्या है, लैटिन क्या है, बट लैटिन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, अगर इसको आप सही से पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे जो मेडिकल टर्म आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा. ये बहुत एक बेनिफिशियल पॉइंट है स्पेशली जो इंडिया से आते हैं. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सपोज मान लो जैसे लीवर, लीवर को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं. तो हेपेट क्या है, एक ये आपका लैटिन वर्ड है, प्रीफिक्स से मान लो इसको हेपेट मतलब क्या हुआ आपका लीवर, लॉजी हेपेटोलॉजी मीन लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी क्या है ये लैटिन वर्ड है, हेपेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर. अगर मैं किडनी की बात करूँ, किडनी का क्या होता है, किडनी का भी अगर हम बात करेंगे तो किडनी में अगर तो नेफ्रो क्या है, नेफ्रो एक लैटिन वर्ड है, लॉजी फिर नेफ्रोलॉजी मीन स्टडी ऑफ किडनी. तो ये कितने इंपॉर्टेंट है, आप अगर लैटिन अच्छे से आप यूज़ करते हो लैटिन को, तो आपको मेडिकल के बहुत सारे टर्म जो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, जो यहाँ फर्स्ट ईयर में प्रायोरिटी दिया जाता है आपको, बहुत अच्छा है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो. फिर उसके बाद इसको और आगे बढ़ें तो इसमें फिजिक्स है, जिसको बायो फिजिक्स, नॉर्मली आप अगर 11th 12th में इंडिया में पढ़ते हो तो नॉर्मली आप फिजिक्स यहाँ कर लो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है. अगर हम यहीं पर माइनर सब्जेक्ट को मैं कंसिडर करूँ तो हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन है, इसने फर्स्ट ईयर में जो यूक्रेन के बारे में थोड़ा वो जो हिस्ट्री है क्या कैसे है ये वो इसमें आपको पढ़ाते हैं. उसके बाद बायो सेफ्टी है, सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि मतलब मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उस पर आपको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, तो उसके बारे में ये फर्स्ट ईयर में कुछ आपको बायो सेफ्टी ग्रुप में बताते हैं. उसके बाद है फिलोसफी, जो ये भी थोड़ा सा मतलब वही है इसके जो यूक्रेन के हैं क्या कंट्री से कैसे रिलेटेड है, कैसे वो दूसरे को मतलब एक फिलोसफी की तरह, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस ये छोटी मोटी सब्जेक्ट है आप उसको इजीली टैकल कर लोगे. अगर यहीं पे आप इंडिया की बात करें
तो इंडिया में तो मेजर आपके 3 ही सब्जेक्ट हम वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, 3 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बट यूक्रेन में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट लंबा है, बट इम्पोर्टेंट तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, एक एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया। अब यहाँ पे ये होता है कि भाई हमें कौन से राइटर का बुक लाना है, कौन से ऑथर की बुक लानी है। अगर एनाटॉमी हम स्पेशली अगर करेंगे तो उसे जो इंडियन बच्चे हैं वो BT 84 लेके आते हैं, आप ला सकते हो, बट मैं कंसिडर करूँगा कि आप जो एटलस का एक ग्रॉस एनाटॉमी है बुक है वो आप ले आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक ये एडिशनल सजेशन है मेरे लिए। और हिस्टोलॉजी वगैरह का तो आप लाओगे तो उसमें आप ला सकते हो। हिस्टोलॉजी का आई थिंक इंद्रवीर सिंह है, मुझे कुछ समथिंग ऐसे ही है, शायद यही है, आप देख सकते हो। आप ये आप 2 बुक फर्स्ट ईयर में तो आप लेके ही आना, एक तो एटलस लेके आना आप, और एक इंद्रवीर सिंह का जो हिस्टोलॉजी की बुक है वो आप लेके आना, आपको आपके यहाँ पे इजीली हो जाएगा पढ़ने के लिए। और यहाँ बात करें तो एनाटॉमी तो मैं तो बात ही कर ली, इंडिया में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और बाकी यहाँ का जो पैटर्न है वो आपको बाकी मैंने बता ही दिया। और अगर बाकी में आपको कुछ भी दिक्कत है, इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे में, मैं कोशिश करूंगा आपको उसको क्लेरिफाई करने के लिए। और आपको और वीडियो लिंक मिल जाएगा कि आप यूक्रेन आते हो फर्स्ट टाइम तो आपको क्या कैरी करना है, क्या लाना है, सामान कैसे क्या नहीं है, वो पूरे आपको वीडियो जो लिंक है आप मैं डाल दूंगा इसमें, आप वहां से देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियोज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप टू सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।